दुबई और अबू धाबी। दुबई में ज्यादा चांसेस है जॉब के या अबू धाबी में ज्यादा चांसेस है? दुबई के अंदर सैलरी ज्यादा है या अबू धाबी के अंदर सैलरी ज्यादा है? दुबई का प्रोसेस अलग है या अबू धाबी का प्रोसेस अलग है? आज मैं आपको सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताऊंगा, पूरा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी तक पता नहीं है। अपन खाली एक दुबई का लेके बैठे हैं, लेकिन अबू धाबी के भी बहुत ज्यादा फायदे हैं, जो चीज आज तक आपको कोई नहीं बताया, मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आखिर तक देखना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले गलती मैं मेरी मानता हूँ कि मैं हमेशा जो भी वीडियो बनाता था, हमेशा दुबई 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 के लिए बनाता था। आज तक मुझे नहीं लगता मैंने ज़्यादा कुछ अबू धाबी के लिए या बाकी कुछ एमिरेट्स के लिए बताया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूएई है उसके अंदर 7 एमिरेट्स हैं, जिसमें 3 एग्ज़ाम्स मोस्टली होते हैं, DHA दुबई, हार्ड अबू धाबी और बाकी के लिए MOH। YouTube पे शायद दुबई नर्सिंग का मेरा सबसे पहला चैनल था और मैं हमेशा दुबई के वीडियोस डालता था। उसके बाद में फिर मैं बीच में थोड़ा स्टॉप हो गया और बहुत सारे और चैनल भी आ गए थे, लेकिन सब दुबई के पीछे लगे, दुबई के। लेकिन हकीकत कुछ और है, और वो हकीकत मैं आपको आज बताऊंगा कि क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है दुबई और अबू धाबी के बीच में। ठीक है, मैं पहले 3 साल दुबई था, अभी मैं अबू धाबी हूँ, और अभी मुझे यहाँ का पूरा पता चल, मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ के कितने फायदे हैं और दुबई के कितने फायदे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हमें दुबई या अबू धाबी में से किसको चूज करना है। ठीक है, वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एमिरेट चूज करना है, लेकिन अपन जो वन बाय वन देखेंगे स्टेप्स, उसके अंदर आप खुद फाइनल लास्ट में पहुंचते पहुंचते आप खुद डिसाइड कर लोगे कि आपको कौन सा एमिरेट चूज करना है, आइदर दुबई और अबू धाबी। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सैलरी की, बात करते हैं सैलरी की, दुबई में ज़्यादा है या अबू धाबी में। तो भाई जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है वो है कि सैलरी हमेशा अबू धाबी में ज़्यादा है। दुबई के अंदर आपको सपोज कि 3,000 दरम मिलेगा, तो आपको अबू धाबी में इजीली 5,000 मिलेगा। अगर आपको दुबई में 5,000 मिल रहा है तो आपको अबू धाबी के अंदर आराम से 7,000 दरम मिलेगा। सबसे मेन, अपन बाहर क्यों आते? पैसा कमाने के लिए, और पैसा इधर अबू धाबी की सैलरी सबसे ज़्यादा है। कोई भी एमिरेट्स में जाओ, चाहे शारजा, दुबई और बाकी किधर भी जाओ, लेकिन सैलरी स्केल अबू धाबी का हाई है। ठीक है, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, कि जॉब दुबई में ज़्यादा मिलेगा या अबू धाबी में जल्दी मिलेगा। तो उसके लिए भी अबू धाबी में आपको जॉब ज़्यादा फाइंड नहीं करना पड़ता, ज़्यादा सर्च नहीं करना पड़ता, हाथ पैर नहीं मारने पड़ते, आपको अबू धाबी में जॉब थोड़ा इजीली मिल जाता है। इसका रीज़न मैं बताऊंगा क्यों मिल जाता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है, इसलिए मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूँ। तो आपको अबू धाबी में जॉब इजीली मिल जाता है। अब वो क्यों मिल जाता है, उसके पीछे एक तीसरा लॉजिक है, दुबई का पासिंग परसेंटेज और अबू धाबी का पासिंग परसेंटेज। और दुबई के अंदर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट और अबू धाबी के अंदर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट, वो सब डिपेंड करता है यहाँ पे जॉब की अवेलेबिलिटी का और सैलरी इंक्रीज होने का। क्यों? क्योंकि हर बंदा, कोई भी हो, मुझे दुबई जाना, अपने वो जुबान पे एक बैठ गया, यूएई जाना, यूएई में कहाँ, दुबई। अबू धाबी के बारे में अपन नहीं बोलते ज़्यादा कि मुझे अबू धाबी जाना है, तो वो एक दुबई का बैठ गया, 100 में से 90 लोग हैं वो दुबई का DHA का प्रोसेस अप्लाई करते हैं, 100 में से 90 लोग, 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जो, 10 या 20 लोग जो अबू धाबी के लिए अप्लाई करते हैं। अब बात करते हैं कि वो जो 80 या 90 लोग हैं, सबसे पहले तो DHA के अंदर पासिंग का जो पासिंग परसेंटेज है वो आपको हाई मिलेगा। एक तो 100 में से 80 लोगों को एग्जाम लिख रहे हैं, जिनमें से वो कितने लोगों को पास करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन टफ होगा, तो पासिंग जो परसेंटेज है वो हाई जाएगा और फेल होने वाले कैंडिडेट ज़्यादा रहेंगे। अबू धाबी के अंदर 100 में से 20 लोग एग्जाम लिख रहे हैं, 30 लोग एग्जाम लिख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इनका पासिंग परसेंटेज कम रहेगा और पासिंग रेट कैंडिडेट्स का ज़्यादा रहेगा। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे, कि दुबई के अंदर चलो 80 लोगों ने एग्जाम लिखा, 50 या 20 या 30 या 40 जितने भी पास हुए, अबू धाबी में जो एग्जाम लिखा उनमें से 20 में से 10 या 5 पास हुए, तो ज़्यादा कंपटीशन किधर है?
दुबई में या अबू धाबी में। दुबई में सैलरी इसीलिए कम है क्योंकि हर हॉस्पिटल क्लिनिक मेडिकल सेंटर को इजीली स्टाफ मिल जाता है, अवेलेबल होता है। कहीं भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, एक तो 50 लोग खड़े हैं और एक साइड में 20 लोग खड़े हैं, तो कॉम्पिटिशन ऑफ कोर्स 50 वाले में ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई सैलरी, एग्जाम पासिंग परसेंटेज और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की, कि कहाँ पे ज़्यादा है स्कोप है। तीसरी चीज़ जो प्रोसेस है कि DHA का इजी है कि DOH का इजी है, तो मेरे भाई दोनों का प्रोसेस सेम है, खाली एक सर्टिफिकेट का डिफरेंस है और वो सर्टिफिकेट DHA में एग्जाम पास होने के बाद में चाहिए और DOH में प्रोसेस शुरू करने से पहले चाहिए, बाकी पूरा प्रोसेस सेम है। इसमें भी डाटा फ्लो होता है और इसमें भी एग्ज़ाम होता है, और DHA में भी डाटा फ्लो होता है और एग्ज़ाम होता है। अब जो सर्टिफिकेट है, मैं हमेशा बोलता हूँ गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जो अपन को अपनी नर्सिंग काउंसिल से मिलता है। DHA में क्या होता है कि जब आप प्रोसेस शुरू करते हो तो उस टाइम पे आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, और जब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो उसके बाद में आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। DOH मतलब अबू धाबी का डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ का क्या है, इसमें जब आप प्रोसेस शुरू करते हो तो उसी टाइम आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। अब इसके भी मैं फ़ायदे बताता हूँ आपके पास में। अगर आप DOH अबू धाबी का अप्लाई कर रहे हैं तो आप ऑफ कोर्स गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, बाकी आपके सारे सर्टिफिकेट हैं आपके पास। अगर आपके पास में गुड स्टैंडिंग भी है तो फिर आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम कभी भी पास हो गए आपका तुरंत एलिजिबिलिटी लेटर मिल जाएगा। DHA के अंदर क्या है, आप एग्ज़ाम पास हो गए, सपोज कि नर्सिंग काउंसिल ने गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया, आपका पूरा पैसा, आपकी पूरी मेहनत और आपका पूरा सब कुछ चौपट हो जाएगा, क्योंकि बिना गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट दिए आपको एलिजिबिलिटी लेटर इश्यू नहीं होगा। कोई भी DOH ले लो चाहे DHA ले लो, कोई भी आपको बिना गुड स्टैंडिंग एलिजिबिलिटी लेटर नहीं देता। टाइम दोनों के अंदर सेम टाइम लगता है प्रोसेस में, चाहे वो DHA हो DOH हो, ठीक है, दोनों में सेम टाइम लगता है, लगभग 20-25 दिन का टाइम डाटा फ्लो में, और एग्ज़ाम आप कभी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इतने दिन मेरे दिमाग में भी 3 साल तक यही कॉन्सेप्ट था कि क्योंकि मैं दुबई में था और मैं उसी से रिलेटेड वीडियोस बना रहा था, लेकिन जब मैं अबू धाबी आया हूँ, मैंने यहाँ पे चीज़ें देखी है, मैंने मेरा खुद का डाटा फ्लोर जो था वो DOH में ट्रांसफ़र किया, अभी मेरे पास हार्ट का लाइसेंस है DOH का, तो अभी मुझे पता है कि यहाँ पे जॉब मिलना कितना ईजी है, प्लस यहाँ पे स्कोप कितना ज़्यादा है, प्लस यहाँ की प्रोसेस सेम लाइक DHA, मतलब सेम लाइक दुबई की तरह। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आपको सैलरी ज़्यादा चाहिए, जॉब का जो स्कोप है अपना कि अपन को कितना इजीली जॉब मिले वो चाहिए, या फिर सेम प्रोसेस दुबई के अंदर आपको सैलरी कम चाहिए, या फिर आपको वहाँ पे जो जॉब का स्कोप है वो कम चाहिए। तो डिसाइड आप कर सकते हैं इजीली अभी, क्योंकि जो 3-4 पॉइंट्स हैं यही खाली नर्सिंग के अंदर यही इंपॉर्टेंट है, सैलरी, जॉब और प्रोसेस। तो ये तीनों चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी कि DHA ज़्यादा अच्छा है कि DOH ज़्यादा अच्छा है। मैं डिसाइड नहीं करूँगा, डिसाइड आप करेंगे, आपको पता चल गया है तो आप, ऐसा नहीं है कि आप UAE का सोचो सीधा कि हाँ मुझे दुबई जाना है, दुबई है लेकिन गलत नहीं बोल रहा हूँ दुबई के लिए भी, क्योंकि मैंने मेरे 3 साल उधर ही निकाले हैं दुबई के अंदर, लेकिन अगर कुछ अच्छा अपन को मिल रहा है तो फिर हम उसके पीछे क्यों भागे जहाँ पे अपन को कम मिल रहा है। और एग्जाम का पासिंग का स्कोर भी आपको अबू धाबी का इजी मिलेगा देन दुबई। तो डिसाइड आपको करना है, थोड़ा सोचो और देखो, आपको पता चलेगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, अगर आप चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरी डिटेल दूंगा। समटाइम टाइमली रिप्लाई नहीं कर पाता, कोशिश करता हूँ लेकिन बाद में कर देता हूँ रिप्लाई। ठीक है, और अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो DOH का प्रोसेस है वो अपन कैसे करते हैं। अगर आपको DHA DOH या जो भी प्रोसेस से रिलेटेड भी अगर कोई इंक्वायरी है या आपको प्रोसेस करना है तो ऑफ कोर्स मैं उसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, और चंद अभी इतना वीडियो देख लिया तो यार लाइक से सब्सक्राइब तो कर दो यार, ये तो बनता है, क्योंकि दुबई से या UAE से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं आप तक जितना होता है उतना पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, कोई भी झूठ नहीं होता इसके अंदर, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है जेन्यून होती है और वही मैं आप लोगों तक प्रोवाइड करवाता हूँ। थैंक यू।